फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडा करी का रेसिपी। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने प्रोसेस किया है अंडा करी के लिए। तो आप देखिए कि मैंने अंडा उबाल रखा है, इतना 6 अंडा मैंने उबाला है। और मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि बस आप रेसिपी मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया है। तो मैंने सारे अंडे में इस तरीके से छेद कर लिया था। उसे तेल मैंने डाल दिया कढ़ाई में गरम होने के लिए, सरसों का तेल। और इसमें मैं डाल दूंगी अंडा को फ्राई होने के लिए। और इसका ग्रेवी के लिए देखिए मैंने सारा कुछ कट करके रखा है, ओनियन, टमाटर और एक लाल मिर्च और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, एक गार्लिक। मैं इसका चॉपर में पेस्ट बना लूंगी। लोग देख सकते हैं मैंने सारा इकट्ठा चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लिया है सारा कुछ को। अब मैं इसका ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगी सब सामान। तो देखिए फ्रेंड, मैं अब इसमें प्याज भूनने के लिए जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें तेजपत्ता, जीरा, लौंग, इलायची का तड़का डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा हींग, ताकि गैस न बने, क्योंकि अंदर से गैस भी बनता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है खाने के बाद। अब देखिए मैंने ना सारे मसाले पर प्याज काटा था उसको मैंने चॉप कर लिया। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी इकट्ठे ही सब। अब मैं इसे लाल होने तक भूनूंगी मसाले को, ताकि अच्छे से लाल हो जाए। मसाला डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार डाल लें आप, जितना आप लोग खाते हैं। तेज कम, प्याज डाल के भून लीजिए, चला लीजिए अच्छे तरीके से। मैं मसाला सारा डालूंगी, हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि हमारा बहुत कम है अंडा इसलिए ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा का पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च, क्योंकि पहले से भी मैंने उसमें लाल मिर्च एक डाल रखा था इसमें के लिए, तो बस हल्का सा डालूंगी। मैं अब फुला दूंगी थोड़ा पानी डालकर। पानी डाल के भूनने से मसाला अच्छे से भूनता है, सूखा सूखा नहीं रहता है दोस्तों। तो जैसे मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ हल्का सा, क्योंकि हमारा ग्रेवी बहुत कम बन के रेडी होगा। तो बस मैंने टमाटर भी डाला था इसमें, तो थोड़ा सा मैं बस टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। और टमाटो प्यूरी हमेशा फ्राई करते तो मेरी मसाला थोड़े भून रहे हैं, तो इसमें डालिए। ये इसलिए हम लोग डालते हैं कि थोड़ा ग्रेवी का कलर अच्छा आ जाता है, बाकी तो खट्टा करने का काम टमाटर भी कर ही देता है। तो ज्यादा न डालें टमाटो प्यूरी, क्योंकि उससे फिर टेस्ट हो जाता है, फ्रेश जैसा टेस्ट नहीं आता सब्जी का। देखिए हमारा मसाला है अच्छी तरीके से भून गया है, आप लोग देख सकते हैं। कढ़ाई में देखिए चिपक नहीं रहा, इसका तेल हल्का हल्का मतलब दिख रहा है बाहर। तो अब मैं इसे पानी डाल देती हूँ इसमें, पहले थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि देखिए मसाला अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर सकूँ। बात
मेथी का देखिए मैं डालूंगी फिर और पानी। आप रस उसके हिसाब से ही रख सकते हैं, अगर आपको रोटी के साथ खाना हो तो कम ग्रेवी रखिए और अगर चावल के साथ खाना हो तो आप ज्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। तो मैं बस इतना ग्रेवी रख रही हूँ, ज्यादा नहीं रख रही हूँ। देखिए अभी उबालना शुरू हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, रेडीमेड गरम मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। घर का बना हुआ नहीं है, रेडीमेड है, तो आपको आपके पास जो गरम मसाला हो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाहर का ही मार्केट का। अभी मेरा ग्रेवी उबालना शुरू हो गया है तो मैं अब इसमें अंडे को डाल रही हूँ। मेरा ये देसी अंडा है, देखिए देसी जो होता है ना देसी मुर्गी का अंडा, वो अंडा का मैं अंडा करी बना रही हूँ, इसलिए साइज में छोटा छोटा है और बहुत हेल्दी होता है देसी अंडा, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके देसी अंडा यूज करते हैं। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट ढक के उबालूंगी, फिर ये खाने के लिए रेडी है। तो आप चावल या रोटी के साथ जिसके साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने गैस बंद कर दिया है, मेरा अंडा कढ़ी करीब करीब बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे आप चाहे तो ठंडा करके खाएं, जैसे भी खाएं। तो देखिए मेरा अंडा कढ़ी बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके और जल्दी बनने वाला। मेरा 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो चुका, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा देसी अंडे का अंडा कढ़ी मैंने बनाया है। तो आप लोगों को अगर मेरा अंडा कढ़ी का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।